गाइस तो अभी हम मेरे कार पे और यहाँ पे मम्मा क्या मेरे कार पे क्या कार में है क्या कार में कार 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 में है ना। हाँ यहाँ पे अभी मम्मा मेहंदी लगा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम एक मंदिर जा रहे हैं ओम्बला। हाँ फिर हम जाएंगे हमारी कुलदेवी के मंदिर। हाँ फिर तो टोटल ड्राइव होएगा आज का। तो यहाँ पे अभी बैठे माँ फोन चलाते हुए और मम्मा देखते हुए और मैं बताते हुए सब कुछ। तो गाइस अब हम खा रहे हैं, हमारे गांव के पास पड़ता है रैन, रैन के कचौरी समोसे मिर्ची बड़े बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो हम लोगों ने मिर्ची बड़े और कचौरी लिए थे, तो पहले हम कचौरी टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद हमने यहाँ का फलूदा भी खाया था वो भी आपको दिखाएंगे। बट ये इतना गरम गरम उसने कचौरी बनाई थी और बहुत ही अलग टेस्ट था। मैंने तो मतलब हम लोग जितनी बार भी बुटाटी जाते हैं ये तो पक्का ही लेते हैं, हमारा नाश्ता यही होता है। आप कितने साल के हो गए तो भी नहीं गए? ओम बना के जाया है नागनी माता के। ओम बना के मैं भी गया। आप गए हो ओम बना के? कब गए थे? काफी टाइम हो गया मम्मा। आपको मूवी की जिंदगी की शुरुआत हुई और शुरुआत में जा रही है अभी। मूवी तो सही में विकास ही जाएगी, बताओ इतनी है नहीं अभी ढंग से। मूवी बोल ली खा के लाएंगे मेहंदी लगा। अभी बारिश हो रही है और देखो मम्मा ने क्या किया। किसकी गोदी में सो रहा है? एक्सक्यूज मी अलाइव मेरी गोदी में। तो आपको मैं अभी बारिश में खाती हूँ। बहुत तेज बारिश हो रही है सब मुझे। तो गाइज हम पहुंच गए ओम बना के, बस अभी हम अंदर एंटर हो रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं। मम्मा जाते दर्शन हो गए ना मम्मा, मैंने भी सुना है लाइन लगती है वरना दर्शन जोरदार मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए जाते ही। सुना हुआ था ना हमेशा। लल्डिया ले ली तो गाइज ओम बना के दर्शन करने के बाद हम रवाना हो गए थे हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है हमारी नागनेचा माता कुलदेवी हमारी, जिनके दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और इसी में मौसम ने भी हमारा पूरा पूरा साथ दिया। आप देख सकते हो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, कोई गर्मी नहीं थी और हम लोग इन्जॉय करते हुए जा रहे थे। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं नागनेचा माता के मंदिर में पहुँच चुके हैं और मौसम इतना अच्छा था, पूरे रास्ते बारिश थी, मज़े आ गए आज तो। ना धूप ना उमस, अति मज़े आए, आराम से आए धीरे धीरे। हाँ थैली में ना थैली पड़ी ना नीचे, यही है बस। तो आराम से ओम बना के दर्शन भी अच्छे से हो गए थे क्योंकि मौसम वहाँ भी बहुत अच्छा था, मौसम यहाँ भी बहुत अच्छा है। और अभी अंदर लेके चलते हैं आपको नागनेचा माता के मंदिर की। हमारे इन लोगों की कुलदेवी है, हमारी नहीं इन लोगों की कुलदेवी है वो। हमारी कुलदेवी तो जम्बाई माता शेखावतों की और इन लोगों की है नागनेचा माता जो हमारी भी हो चुकी है। हमारे पास दो दो कुलदेवी है और आप कैसे एक ही है ना? हमारे पास दो दो कुलदेवी है। तो अभी हम नागनेचा माता के मंदिर आए हैं, फिर हम लोग एक दिन जम्बाई माता के चलेंगे। मुझे जम्बाई माता के देखते चलोगे? आपको मिला तो सकते हैं हमारे वालों से भी। जम्बाई माता गए हो? सही बताओ यार, मेरे को भी ले चलो एक दिन। मेरे घर वाले तो जाए मुझे छोड़ के, तब इनके साथ जाके आऊंगी मैं एक दिन। और ये हमारी बूवी जो कि अपने पापा से है बहुत ही ज्यादा नाराज। तो गाइज ये है नागनेचा माता का मंदिर और आप देख सकते हो बहुत ज्यादा बड़ा मंदिर है ये और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। हम्म,
खिड़कियाँ भी है ना, सुंदर बना हुआ, बहुत सुंदर बना हुआ। देखो पूरा मार्बल से बना हुआ मम्मा, ये मार्बल की खुदाई करी है। अक्षरधाम जैसा सही ना मम्मी, अपने चित्रकूट वाला जो है तो मार्बल पे करा हुआ है पूरा मम्मा। गजब। है ना सुंदर बना हुआ ना, कितना वाइट मंदिर है ना, वाइट में से शांति से मिलती है, बहुत सुंदर बना हुआ है और मन खुश हो गया। ये देखो इसका हॉल है भाई, ये करने वाले ने कैसे कराए घूमिए, कारीगरी देख सकते हो आप लोग, जबरदस्त कारीगरी।